Hello friends and students, so this is session 11 of our unit 4, and in this session we will learn about printing a presentation, that how to print a presentation, okay, how to print the different slides of the presentation, how to print the speaker notes, okay. So all of these things we will learn in this chapter, so starts today's video. So here I have made a presentation for you. यहाँ पर मैंने एक presentation आपके लिए बना रखी है, जैसे जिसमें आपको 13 पेज दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? तो जो भी है ये presentation, इस presentation में अब हमें करना क्या है, print करना है किसको, slides को. जैसे बहुत सारी slides हैं हमने जो यहाँ पर बना रखी हैं, अब इन slides को print करने के लिए हम क्या करेंगे. सबसे पहले तो हम प्रिंट करते क्यों हैं, एक प्रेजेंटेशन का काम क्या होता है, हम प्रोजेक्टर पर कोई चीज़ दिखाते हैं, लोगों को समझाते हैं, फिर प्रिंट करने की क्या ज़रूरत है. तो प्रिंट करने की ज़रूरत क्या होती है कि जो ये स्लाइड्स आपने बनाई हैं, अगर हम पहले से इनका प्रिंट ले लें, और जो ऑडियंस है, अगर बहुत बड़ी ऑडियंस नहीं है तो स्पेशल कुछ लोग अगर हैं, ठीक है, जैसे कंपनीज वाले, जब कोई कंपनी होती है बड़ी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी, वो अपने कुछ जो स्पेशल सेलेक्टेड कस्टमर्स होते हैं उनके सामने कोई प्रेजेंटेशन करते हैं, तो वो उनके प्रिंटआउट्स उनके हाथों में दे देते हैं. उसके दो बेनिफिट होते हैं, एक तो वो उन प्रिंटआउट्स को देख के पहले से ही काफ़ी कुछ आइडिया लगा लेते हैं कि इस प्रेजेंटेशन में क्या होने वाला है, तो कॉन्सेप्ट थोड़ा माइंड में उनके अच्छे से पहले ही क्लियर हो जाता है, तो वो प्रेजेंटेशन में और ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं. दूसरा एक ये भी होता है कि सपोज करो ऑन द स्पॉट आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और उस वक्त आपका जो प्रोजेक्टर है वो ख़राब हो जाए, स्क्रीन ख़राब हो जाए, कंप्यूटर ख़राब हो जाए, तो भी आप एटलीस्ट, क्योंकि हाथों में प्रेजेंटेशन है उनके, अगर आपने दे रखी है उनके प्रिंटआउट्स लेके, तो आप उनको उन पेजेस के थ्रू भी समझा सकते हैं. तो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव तो नहीं होगी वो आप, क्योंकि कोई कमी आई है तो कुछ तो कमी रहेगी, बट फिर भी ये नहीं है कि बिल्कुल प्रेजेंटेशन हो ही ना पाए. ओके, तो ये सब बेनिफिट्स हैं. या कई बार किसी और पर्पज़ के लिए भी, और किसी तरीके से आपको रिक्वायरमेंट्स अगर पड़ जाती है, तो भी आप उसके प्रिंटआउट्स लेके रख सकते हैं. अब जो प्रिंटआउट्स लेते हैं वो दो चीज़ें मैंने आपको बताई थी, एक तो स्लाइड्स होती हैं, जैसे यहाँ पर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मैंने स्लाइड्स बना रखी हैं, ठीक है, तो इन स्लाइड्स के प्रिंटआउट्स लेने हैं हमें. और दूसरा क्या है कि जो स्पीकर नोट्स हमने जो पीछे कुछ सेशन किए थे, तो उसमें स्पीकर नोट्स के बारे में पढ़ा था कि जो डिफरेंट डिफरेंट स्लाइड्स हैं उनके अगर स्पीकर नोट्स भी बना रखे, तो जैसे मैं अभी मैंने नहीं बना रखे, मैं एक बार बना देता हूँ. जैसे ये स्लाइड वन है, तो मैं इसके स्पीकर नोट में यहाँ पर सिंपली टाइप कर देता हूँ स्लाइड वन. ओके, आप इसकी जगह कोई भी नोट्स लिख सकते हो, मैं सिर्फ ये पहचान के लिए कि मैंने इन कुछ स्लाइड्स की क्या बनाए, स्पीकर नोट्स बनाए हैं, तो ये टू पे मैंने कर दिया बस स्लाइड टू. ऐसे ही थर्ड स्लाइड पर स्लाइड थ्री. ओके, और चलो एक पे और कर लेते हैं बस स्लाइड फोर. ये हमने कुछ स्पीकर नोट कर लिए, ठीक है. अब मुझे प्रिंट लेना, प्रिंट इन नोट्स के भी हो सकते हैं, तो ठीक है, या फिर स्लाइड्स के भी हो सकते हैं. ये मैंने एग्जांपल के रूप में लिखा स्लाइड वन, स्लाइड टू, स्लाइड थ्री. एक्चुअली नोट्स आपने जो भी कुछ बोलना होता है वो मैंने आपको बता रखा है कि नोट्स में क्या लिखा जाता है. ओके, तो आप अपने डिटेल्स में ये पूरे नोट्स लिख सकते हैं किसी भी स्लाइड से रिलेटेड. ये लिखने के बाद अब जब हम प्रिंट लेने के लिए, सबसे पहले तो जाएंगे कहाँ, फाइल टैब पे. अब इन वर्ड्स को ध्यान से समझना है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्वेश्चन आंसर लिखते टाइम, कौन सा कौन सी टैब है, कौन सा डायलॉग बॉक्स है, कौन सा पेन है, ओके, या कौन सा शॉर्टकट मेन्यू है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आप थोड़ा पजल रहते. तो अब मैं जब बता रहा हूँ ध्यान से सुनना और समझना. तो ये जो फाइल टैब है, जब हम फाइल टैब पर क्लिक करते हैं, तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, तो ये स्क्रीन जो आपके सामने आई फाइल टैब पे क्लिक करने के बाद, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं फाइल बैकस्टेज व्यू. ये क्या है, सॉरी, दिस इज फाइल बैकस्टेज व्यू, ठीक है. इस फाइल बैकस्टेज व्यू में इस प्रिंट ऑप्शन पर जब हम क्लिक करते हैं, तो ये क्या है, इसको प्रिंट डायलॉग बॉक्स भी बोल देते हैं कुछ यूजर, या प्रिंट पेन भी बोल देते हैं. वैसे प्रिंट पेन ज़्यादा बेटर है ये, क्योंकि डायलॉग बॉक्स होता है वो थोड़ा अलग से पॉपअप होके आता है, मोस्टली हम उसको बोलते हैं. ओके, तो ये प्रिंट पेन हो गया. अब इस प्रिंट पेन भी दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक तो जहाँ पर हमने प्रिंट
की सेटिंग्स जहाँ पर हैं, और दूसरा जो स्लाइड्स हैं उनका प्रिंट प्रीव्यू। तो जैसे आपको यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू नजर आ रहा है, ओके, तो इन स्लाइड्स में, तो ये क्या हो गया, प्रिंट प्रीव्यू। तो कि आपकी स्लाइड जो प्रिंट होके कैसी आएगी, कैसी दिखेगी, वो यहाँ पे दिखेगी। इसमें यहाँ पर नीचे आपको स्लाइड्स के नंबर्स भी नजर आ रहे हैं। जैसे ये फर्स्ट स्लाइड है, टोटल 13 स्लाइड है, तो यहाँ पर ये नेक्स्ट और प्रीवियस का बटन है, तो नेक्स्ट करके मैं नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड को देख सकता हूँ कि मेरी जो स्लाइड्स हैं वो प्रिंट होके कैसे आएंगी। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट आपको जो दिखाई देगा स्लाइड्स में वो क्या नजर आएगा, आपको केवल स्लाइड्स नजर आएंगे, स्पीकर नोट्स अभी इसमें नजर नहीं आते हैं। अगर स्पीकर नोट्स का प्रिंट आउट लेना हो तो वो कैसे लेंगे, अभी हम बाद में बात करेंगे। अच्छा, अब इसी में जो ये प्रीव्यू पेन है, ठीक है, प्रिंट, ये पहले प्रिंट पेन है, इसके अंदर ये प्रीव्यू पेन है राइट साइड में। अब इसके बॉटम में लेफ्ट साइड पे, ठीक है, यानी बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पर तो स्लाइड नंबर्स होते हैं, ओके, और राइट साइड पर, बॉटम राइट साइड पर हमारे पास क्या है, एक जूम पेन है, जहां पर जूम इन और जूम आउट में पे मैं क्लिक करके इस स्लाइड का साइज को छोटा बड़ा करके देख सकता हूं ऐसे। ठीक है, तो जो भी आप रखना चाहें, जो आपको साइज फिट लगता है वो आप कर सकते हैं। या यहां पर एक ऑप्शन दिया गया है जूम टू पेज, कि जितना ये पेज है इसके अकॉर्डिंग अपने आप जूम हो जाए, कि यहाँ पे फिट दिख जाए हमें पूरा। ठीक है, तो जैसे 58% पर ये बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है, तो यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो। या ये जो स्लाइडर है, इससे भी आप इसको स्लाइड को जूम इन जूम आउट ऐसे स्लाइड करके माउस को ड्रैग करा के वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रीव्यू, जहाँ पर हमें दिखेगा कि स्लाइड्स कैसे प्रिंट होके आएंगी। अब बात करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं हम, जो प्रिंट सेटिंग्स हैं वहाँ पर हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। फर्स्ट तो ये प्रिंट बटन है, जैसे ही इस प्रिंट बटन पर क्लिक करेंगे तो ये जो जितने भी सेटिंग्स और एक्स्ट्रा बचे हैं, ये हमने इसमें जो जो सेटिंग की होगी, जैसे भी इन सब सेटिंग्स के अकॉर्डिंग प्रिंट निकलना स्टार्ट हो जाएगा, यानी ये प्रिंट कमांड को स्टार्ट कर देगा जो भी सेटिंग है उनके अकॉर्डिंग। ओके, तो जब भी आपको पहले, वैसे एक्चुअली हमें ये सेटिंग्स करनी है, फिर बाद में प्रिंट पे क्लिक करना है। ठीक है, अगर बाय डिफॉल्ट आपको कोई सेटिंग नहीं करनी, नॉर्मल प्रिंट पे करते हो तो जितने भी स्लाइड्स होते हैं सभी स्लाइड्स के प्रिंट निकल जाते हैं एक एक करके। ओके, बट अब जो चेंज करना है, तो सबसे पहला ऑप्शन है कॉपीज का। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो 13 स्लाइड्स हैं, अगर आपको इन 13 स्लाइड की वन कॉपी चाहिए, मतलब हर स्लाइड की एक एक पेज, ओके, तो हम क्या करेंगे, सिंपल वन कॉपी रखेंगे। अगर आपको मान लो 5 स्टूडेंट्स को देने, यानी 5 यूजर्स हैं जो प्रेजेंटेशन देखने वाले, उन सबके लिए एक एक कॉपी निकालने, तो यहाँ पर कॉपीज कितनी कर देंगे, 5। तो यहाँ से क्या होगा कि हर स्लाइड की कितनी कॉपी निकलेंगी वो डिसाइड होगा। ओके, तो यहाँ से हम सेट कर सकते हैं, तो जितना भी करना चाहो। चलो मैं अभी फिलहाल 3 कॉपीज सेट कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिंटर का। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है, ये जो ड्रॉप डाउन बटन है, जहाँ पे इस क्लिक करके हम जितने भी प्रिंटर हमारे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होते हैं, आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ, वो सब, उन सब की लिस्ट आपको यहाँ दिखाई देगी। ठीक है, तो आपको जिस प्रिंटर से प्रिंट लेना है आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही प्रिंट पे क्लिक करें तो इसी प्रिंटर से प्रिंट निकलेगा। ऐसे नहीं कि 3 प्रिंटर कनेक्ट हैं तो आपने यहाँ पे प्रिंट दे दिया तो तीनों से निकलना स्टार्ट हो जाएंगे प्रिंट, नहीं, आप जो प्रिंटर यहाँ सेलेक्ट करोगे उसी से प्रिंट निकलेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रिंटर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इस पर आप क्लिक करके तो ये जो भी प्रिंटर आपने सेलेक्ट किया होगा उसी प्रिंटर की कुछ एक्स्ट्रा सेटिंग्स ओपन हो जाती हैं। डिफरेंट डिफरेंट टैब्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग्स हैं। ठीक है, आप इनको चेंज कर सकते हो कि आपको पेपर साइज क्या रखना है, या जो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें होती हैं। ठीक है, तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, अभी हम डिटेल में इस पे नहीं जाएंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इसमें होती हैं, तो बट ये है कि प्रिंटर की कोई भी प्रॉपर्टीज आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। उसके बाद है सेटिंग्स। अब इस सेटिंग्स के अंदर फर्स्ट जो ऑप्शन है वो आता है हमारा प्रिंट ऑल स्लाइड्स। अब इस ऑप्शन पर, इस ये ड्रॉप डाउन बटन है, एक ड्रॉप डाउन ऑप्शन है, इस पर क्लिक करने से एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर होता है जिसके अंदर 4 ऑप्शंस आ रहे हैं। फर्स्ट क्या है, प्रिंट ऑल स्लाइड्स, ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट ही होता है। ठीक है, तो आपको क्लिक करने की जरूरत नहीं है अगर यही रखना है तो, क्योंकि ये पहले से ही सिलेक्ट होगा। ओके, अगर आपने कुछ और सेलेक्ट करके छोड़ रखा है पहले तो वो सेलेक्ट मिलेगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट अपने आप पहले ये मिलता है। ओके, तो प्रिंट ऑल स्लाइड्स करने, तो ये हो गया। नेक्स्ट इज प्रिंट सिलेक्शन। अगर आपको सिलेक्टेड स्लाइड, जैसे जब यहाँ पर आने से पहले, अभी देखो मैंने क्या कर रखा है, जो स्लाइड नंबर 1 है इसको सिलेक्ट कर रखा है सिर्फ,
तो अब अगर मैं वहां पर फाइल में जाके प्रिंट पे क्लिक करता हूं और अब अगर मैं ये सिलेक्ट करूं तो क्या होगा, सिर्फ उसका प्रिंट आएगा। एक्चुअली ये तो हाईलाइट है, जब एक स्लाइड सिलेक्ट होती है ना तो ये उसको सिलेक्ट नहीं मानता, ठीक है। उसकी जगह अगर एक ही स्लाइड है तो ये प्रिंट करंट स्लाइड की बात करता है। हम ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, अगर एक से ज्यादा करनी हो तो उसको सिलेक्ट कैसे करेंगे पहले तो ये देख लेते हैं। जैसे यहां पर एक स्लाइड तो ये हो गई, अब मैं इस दूसरी को भी सिलेक्ट करना चाहता हूँ, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये जो पहली है ये अनसेलेक्ट हो गई, तीसरी पे क्लिक करता हूँ तो ये दूसरी अनसेलेक्ट हो गई, मतलब ये सिलेक्ट नहीं रही, ठीक है। तो एक साथ एक से ज्यादा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल बटन को प्रेस रखना पड़ेगा। कंट्रोल बटन को प्रेस को फिर जैसे सेकंड पे किया तो ये भी सिलेक्ट है, थर्ड भी सिलेक्ट है। अब हम अगर फाइल में जाएं और प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करें और इस पर जाएं तो देखो ये प्रिंट सिलेक्शन हाईलाइट हो गया है, ठीक है। तो एक में तो यही ऑप्शन रहेगा प्रिंट करंट स्लाइड, प्रिंट सिलेक्शन पे अगर मतलब एक दो या दो से ज्यादा स्लाइड आप सिलेक्ट कर लेते हो तो ये ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। अब सेलेक्ट करने का एक तरीका, आप देखो यहाँ से तो केवल तीन ही स्लाइड हमें दिख पा रही है अभी फिलहाल, वैसे स्क्रीन पर डिपेंड करता है, आपकी स्क्रीन बढ़िया तो शायद आपको ज़्यादा भी दिख जाए, ठीक है। तो बट अगर आपको सारी स्लाइड तो नहीं दिख रही ना, उसमें से आपको अलग अलग स्लाइड्स अगर सेलेक्ट करनी है, उनका प्रिंट लेना है तो कैसे लेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर आएंगे, जो ये व्यू टैब था व्यू टैब में जाएंगे और व्यू टैब में आने के बाद यहाँ पर एक स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है, इसमें जाएंगे तो हमें जितनी भी स्लाइड्स होती हैं वो हमें यहाँ पे छोटे छोटे थंबनेल्स के रूप में, ठीक है, ये आइकन्स के रूप में नजर आती है। आप इसको इसके साइज को और छोटा भी कर सकते हो यहाँ से करके थोड़ा सा, ताकि जैसे अब एक स्लाइड नहीं दिख रही थी, अब सारी की सारी स्लाइड आपको दिख रही हैं तो आपको यहाँ पे सारी स्लाइड दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी, ओके, इस व्यू में। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे मान लो आप मैंने फोर्थ स्लाइड का प्रिंट लेना है, उसके बाद एक सेवन का लें तो कंट्रोल दबा के सेवन को सिलेक्ट करूंगा, ये फोर और सेवन दोनों सिलेक्ट हो गई हैं, फिर ट्वेल्व का भी चाहिए तो कंट्रोल दबा के ट्वेल्व, तो तीन स्लाइड मैंने सिलेक्ट किए हैं। अब वही फाइल में जाके अगर मैं प्रिंट पे जाता हूँ तो यहाँ पर प्रिंट सिलेक्शन में अगर मैं प्रिंट सिलेक्शन करूंगा तो जो प्रिंट आएगा, देखो यहाँ पर केवल तीन ही स्लाइड आ रही हैं, ओके, तो एक सेकेंड और थर्ड, ये वो तीनों ही स्लाइड हैं जो मैंने वहां पर सिलेक्ट की थी, बस बाकी कोई भी नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये था प्रिंट सिलेक्शन। अब इस प्रिंट सिलेक्शन में नेक्स्ट है प्रिंट करंट स्लाइड, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगर आपको एक स्लाइड कोई भी रखना है, जैसे यहाँ पर भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप, यहाँ से चेंज कर, जैसे अब ये सेकंड स्लाइड जो यहाँ दिख रही है, ठीक है, या पहले एक बार प्रिंट ऑल स्लाइड कर लिया, ये सारी दिख जाएंगी। अब यहाँ से आपने कोई भी सिलेक्ट कर ली, जैसे ये फोर्थ स्लाइड है ये चाहिए, अब यहाँ पर आप करके करंट स्लाइड को सिलेक्ट कर दो तो केवल जो करंट स्लाइड में जो लास्ट स्लाइड सिलेक्ट की थी आपने पीछे, वही ये ले रहा है, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट करते एक ही स्लाइड रखेगा जो भी आपने लास्ट सिलेक्ट की होगी, ठीक है, लास्ट टाइम जहां भी क्लिक किया था तो उसी को सिलेक्टेड बस मानता है फिर ये, ओके। तो उसके बाद है कस्टम रेंज। इसके अलावा जैसे आपको बीच बीच में से लेने, एक तो ये कि आप सेलेक्ट करके तो ले ही सकते हैं, वहां से सिलेक्ट के बिना आप डायरेक्ट यहां से भी कर सकते हैं। तो कस्टम रेंज पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये नीचे वाला ऑप्शन जो पहले हाईलाइट नहीं था, जैसे देखो प्रिंट ऑल स्लाइड है, ठीक है, या प्रिंट सिलेक्शन है, अच्छा ये सिलेक्ट है। तो चलो इसमें हमने कर लिया, कस्टम रेंज को सिलेक्ट किया और यहाँ पर हम डाल सकते हैं अपने स्लाइड नंबर। जैसे अब यहाँ पर सॉरी, इसको मैं प्रिंट ऑल स्लाइड्स एक बार कर देता हूँ, यहाँ पर मैं नंबर डालता हूँ, एक तो मुझे चाहिए सपोज करो सेकंड स्लाइड, फिर कॉमा लगाना है, ओके, कॉमा लगा के अब आप दूसरा नंबर डाल सकते हो, कॉमा लगा के जैसे आपको चाहिए फिफ्थ स्लाइड, ओके, फिर से कॉमा लगाना है, उसके अलावा फिर और कौन सी चाहिए, और आपको चाहिए कौन सी, एट से लेके टेन तक, तो एट टू, अब टू के लिए आपको क्या लगाना है, माइनस वाला जो साइन होता है, हाइफन जिसको बोलते हैं, एट फिर हाइफन और फिर टेन, ये मान लो आपको कॉन्टिन्यूसली चाहिए, और इसके बाद फिर से कॉमा लगाना है, और अब एक जो स्लाइड नंबर ट्वेल्व आपको चाहिए, ठीक है। तो अब अगर मैं प्रिंट पे क्लिक कर दूं तो किस किस स्लाइड का प्रिंट आएगा, एक सेकेंड का, फिफ्थ स्लाइड का, एट नाइन टेन तीनों का आएगा, और फिर स्लाइड नंबर 12 का, तो इनका प्रिंट आएगा। और जैसे ही आप यहां पे कोई भी नंबर डालोगे, आपने यहां कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर रखा हो, ये ऑटोमेटिकली कस्टम रेंज में ही सेलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप यहां पर जब नंबर बता रहे हो तो इसका मतलब आप खुद से डिसाइड कर रहे हो कि कौन कौन सी स्लाइड के आपको प्रिंट चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने ऑल पे क्लिक किया था ना, यहां पर प्रिंट ऑल स्लाइड पे क्लिक करके फिर लिया था, तो अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो जो नंबर्स लिखे हैं वो हट जाएंगे, ठीक है। और तो या तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर दो वो अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा, या फिर पहले से ही सिलेक्ट कर लो कस्टम रेंज और फिर आप नंबर्स लिखना स्टार्ट कर दो कि आपको कौन कौन से नंबर्स
के प्रिंट चाहिए। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है जिसमें हम सेलेक्ट करते हैं कि कौन कौन सी स्लाइड्स हमको चाहिए प्रिंट करने के लिए, आई थिंक ये क्लियर होगा। नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन इज जहां पे लिखा है फुल पेज स्लाइड। ओके, तो ये फुल पेज स्लाइड जो है इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये प्रिंट लेआउट का एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपियर हो जाता है। अब इसके अंदर ये प्रिंट लेआउट के अंडर, सॉरी प्रिंट लेआउट एक सेक्शन है ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंडर, इसमें तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है फुल पेज स्लाइड, बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्ट ही होता है, ठीक है, आपने कुछ भी नहीं भी करोगे तो भी यही सिलेक्ट था। तो इसमें एक्चुअली क्या होता है कि अगर मैं प्रिंट करता हूँ जो जो भी आपने स्लाइड सिलेक्ट की होंगी उन सब स्लाइड के फुल पेज पे स्लाइड प्रिंट हो, कह रहे हैं जैसे पूरा पेज है उस पर एक स्लाइड प्रिंट होके आ जाएगी, ठीक है। अब इसी में सेकंड ऑप्शन है नॉट पेज। अगर ये ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लेते हो तो क्या होगा, हर पेज पे एक स्लाइड आएगी और उस स्लाइड के नीचे नोट। देखो जैसे हमने ये स्लाइड टू थी तो इस पे क्या नोट लिखा था, स्लाइड टू लिखा था, तो वही लिखा आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही हम ओके इनको कस्टम रेंज की जगह मैं प्रिंट ऑल कर देता हूँ। अब देखो तो ये फर्स्ट स्लाइड में स्लाइड वन लिखा आ रहा है, इसमें स्लाइड टू, फिर स्लाइड थ्री, फिर स्लाइड फोर। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड करेंगे क्योंकि इसमें हमने नोट्स में कुछ नहीं लिखा था तो खाली आ रहा है। ओके, और किसी के नोट्स नहीं बनाए थे बट स्पेस उसका होगा, तो एक्चुअली अगर आपने नोट्स लिखे होंगे तो हर स्लाइड के साथ, मतलब जो पेज पे प्रिंट हो गया स्लाइड तो प्रिंट होगी होगी, साथ साथ उसके जो आपने नोट्स बनाए हैं वो भी प्रिंट होंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज थर्ड है आउटलाइन। आउटलाइन पे जब हम क्लिक करते हैं तो केवल जो मेन टॉपिक आपने पॉइंट्स बनाए होते हैं, हेडिंग्स जो आप लिस्ट बनाते हो ना जैसे, वो होंगे तो आएंगे। अब क्योंकि हमने मैंने जो प्रेजेंटेशन बना रखी है उसमें ये बनाए ही नहीं है आउटलाइंस, या आपको जो स्लाइड्स हैं कि वो सारी स्लाइड्स दिख जाएंगी कि जैसे ये फर्स्ट स्लाइड, सेकंड स्लाइड, थर्ड स्लाइड, फोर्थ स्लाइड, ठीक है, ये आ गई। और फर्स्ट स्लाइड्स पे अगर आपने कुछ स्पेशल लिखा होगा पॉइंट, उनके एक एक मेन पॉइंट यहाँ पर इनके सामने दिख जाएगा, भाई ये फर्स्ट स्लाइड है, सेकंड स्लाइड, तो जितनी भी स्लाइड्स हैं उन सबके हमें आउटलाइंस मिल जाएगी कि प्रेजेंटेशन में हम कौन कौन सी स्लाइड्स कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये ऑप्शंस हो गया। अब क्योंकि इसमें अगर हाँ अगर स्लाइड्स ज़्यादा हैं तो सेकंड पेज आएगा, अगर एक ही पेज पे वो सारी स्लाइड आ पा रही हैं तो वो एक ही पेज पे आ जाएंगे, तो इसलिए जैसे अब ये ऑटोमेटिकली सारा एक पेज पे आ पा रहा है क्योंकि 13 ही स्लाइड्स हैं। ओके, आपको ये शायद छोटा दिख रहा हो तो मैं एक बार जूम करके दिखा देता हूँ। ओके, तो ये अब आपको शायद थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा अच्छे से, तो ये इस तरीके से दिखेगा। ओके, सो नाउ अब इसी में जो यही वाली ऑप्शन था, जो पहले ऑप्शन क्या था यहाँ पे, ये फुल पेज स्लाइड, ठीक है, जब इस पे हम क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन आए थे प्रिंट लेआउट के अंदर, ये तीनों, तो इन तीनों को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसी मेन्यू में, ड्रॉप डाउन मेन्यू में नेक्स्ट सेक्शन कौन सा है, हमारा हैंडआउट्स। इस हैंडआउट्स में हमें ये नो ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट क्या है, देखो सिलेक्ट कर लेते हैं साथ साथ रिजल्ट भी देख लेते हैं। अगर मैं करता हूँ वन स्लाइड तो एक पेज पे एक स्लाइड आएगी। ओके, फिर इसी में अगर मैं टू स्लाइड करूं तो एक पेज पे दो स्लाइड प्रिंट होके आएंगी, और अगर मैं इस पे थ्री स्लाइड करूं तो एक पेज पे तीन स्लाइड आएंगी। बट इसमें ध्यान देना है, ये चीज़ भी याद रखनी है, जब आप ये थ्री स्लाइड वाला सिलेक्ट करते हो तो केवल स्लाइड नहीं आती, स्लाइड के साथ में कुछ ब्लैंक लाइन्स भी आप आ जाती हैं जिस पर आप बाद में मैन्युअली अपने नोट्स लिख सकते हो, लेकिन जो नोट्स आपने लिखे हैं वो नहीं आएंगे। देखो यहाँ पे जैसे स्लाइड वन टू थ्री के लिए हमने नोट्स लिखे थे, वो नोट्स नहीं आएंगे, जो आपने लिखे वो नहीं आएंगे, लेकिन खुद से नोट्स लिखने के लिए स्पेस मिल जाएगा, ये प्रिंट होके आ जाएगा। अब यहाँ पर आप बाद में प्रिंट होने के बाद यहाँ पर अपने नोट्स खुद पेन से अपने लिख सकते हो, ठीक है। तो ये ऑप्शन है थर्ड वाले में, जो हमने ये ऑप्शन सॉरी ये किया था, तो थ्री स्लाइड्स। अब इसी में जो फोर्थ ऑप्शन है, इसमें चार स्लाइड आएंगी और कैसे, हॉरिजॉन्टली। उसके बाद सिक्स स्लाइड आएंगी हॉरिजॉन्टली, फिर नाइन स्लाइड्स आएंगी एक ही पेज पर, ठीक है, बात हो रही है एक पेज पर कितनी स्लाइड प्रिंट होके आएंगी। तो अब जैसे टोटल 13 स्लाइड थी तो एक पेज पे नौ हो गई, तो दूसरे पेज पर कितनी चलेगी, जो बची चार और बच गई, तो ये चारों नेक्स्ट पेज पर प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है। तो फिर इसी में वर्टिकली भी है, अगर मैं वर्टिकली करता हूँ तो चार स्लाइड आएंगी, फिर कि सिक्स स्लाइड्स करता हूँ तो सिक्स स्लाइड्स हो जाएंगी एक पेज पर, और नाइन स्लाइड्स करता हूँ तो नाइन स्लाइड्स प्रिंट हो जाएंगी।
ठीक है, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ये नाइन इस पे बची नहीं थी इसलिए ये नाइन स्लाइड्स हो गई, ठीक है। तो ये ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो प्रिंट लेआउट के लिए, हालांकि इसके बाद कुछ और एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी हैं, ठीक है। फ्रेम स्लाइड्स है, फ्रेम स्लाइड्स का मतलब जैसे जो स्लाइड्स जैसे यहाँ पे प्रिंट हो के आ रहे, तो इनकी एक फ्रेम, एक बॉर्डर सा आ रहा है ना हर किसी का। अगर मैं ये फ्रेम हटा दूँ इस पे से, तो अब देखो जो फ्रेम होगा, ओके, जैसे ये वन स्लाइड है, तो इसका जो फ्रेम होगा स्लाइड का वो हमें नजर नहीं आएगा। फ्रेम यहाँ पे करता हूँ तो ये देखो एक बॉर्डर सा आ गया है, ठीक है, चारों तरफ इस स्लाइड का। ये तो पेज है, पेज का बॉर्डर नहीं देखना, जो स्लाइड है उसका बॉर्डर, ठीक है। जैसे कोई दूसरी होगी तो शायद ज़्यादा क्लियर दिखेगी, जैसे इसमें आई थिंक ज़्यादा क्लियर दिखेगा। मैं फ्रेम हटाता हूँ तो ये देखो ये फ्रेम हट गया ना, यहाँ से ये लाइन हट गई, जो पहले से जो मैंने स्लाइड बनाया था उसमें जो लगा रहा, क्योंकि वो लाइन तो दिखेगी, ओके। तो ये जो स्लाइड थी मेरी टोटल, इस पर जो ये फ्रेम आप हटा सकते हो और लगा सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट ये लगी हुई होती है फ्रेम। उसके बाद है स्केल टू फिट पेपर साइज। अगर आप अपनी स्लाइड को चाहते हो इस पेपर साइज के अकॉर्डिंग इस पे फिट हो जाए, तो मैं ये ऑप्शन करूंगा, तो ये इस पेपर साइज के अकॉर्डिंग जितनी ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेच हो पाएगी उतनी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज इसको दोबारा से क्लिक करने के लिए, जो इसे नॉर्मली आप चाहते हो तो वैसा रख सकते हो। फिर है हाई क्वालिटी। अगर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं तो जो प्रिंटर होता है वो थोड़ा स्लो स्लो प्रिंट निकालेगा एक अच्छी क्वालिटी के साथ, बट इसमें इंक जो होती है थोड़ी ज़्यादा यूज होती है और टाइम ज़्यादा लगता है प्रिंटिंग में। तो अगर रियल में आपको ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की जरूरत है तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो नॉर्मल जो प्रिंटिंग होती है वही की जाती है, थोड़ी फास्ट भी होती है और इंक भी उसमें थोड़ी कम लगती है, ठीक है, तो इसको हटा देंगे। तो ये ऑप्शन थे यहाँ पर, आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कोलेटेड। कोलेटेड ऑप्शन में क्या होता है कि जब आप इस पर क्लिक करते हो तो दो ऑप्शन आते हैं, कोलेटेड एक अनकोलेटेड। अब कोलेटेड को अगर आप सिलेक्ट करोगे तो आपने देखो यहाँ पे कॉपी कितनी कर रखी है, 3, मतलब जितने भी ये टोटल 13 पेज हैं इन सब की 3-3 कॉपी निकलेंगी। बट ये जो 3 कॉपी निकलेंगी इसकी कोई सिक्वेंस हो गया, दो तरीके बनते हैं। एक तो ये कि देखो पहले जितने भी 13 पेज हैं इन सभी 13 पेज की एक एक कॉपी आ जाए, फिर जब ये 13 पेजों की एक एक कॉपी आ जाएगी फिर दूसरी कॉपी स्टार्ट हो जाए सभी पेजेस की, ठीक है, और फिर तीसरी कॉपी स्टार्ट हो, तो इसको बोलते हैं कोलेटेड। कोलेटेड में ऐसे आता है जैसे 1, 2, 3 यानी जितने भी पेज हैं उन सबकी एक एक कॉपी आएगी, फिर दूसरी कॉपी स्टार्ट होगी, फिर उन सभी पेजेस की ये तीसरी कॉपी स्टार्ट होगी, तो इस तरीके से चलेगा, ओके। और अगर मैं कर दूं इसको अनकोलेटेड, ये अनकोलेटेड सिलेक्ट किया तो यहाँ पे दिखा भी रहा है, इसमें क्या होगा जो पहले फर्स्ट पेज है उस फर्स्ट पेज की जितनी भी कॉपी आपने यहाँ सेलेक्ट किया, जैसे 3 कॉपी किया तो पहले फर्स्ट पेज की तीनों कॉपी आएंगी, ओके, फिर सेकंड पेज की तीनों कॉपी आएंगी, फिर थर्ड पेज की तीनों कॉपी, फिर फोर्थ पेज की, ऐसे करते करते लास्ट में 13 जो पेज है, पेज नंबर 13, उसकी 3 कॉपी आएंगी, ठीक है। अगर कॉपी ज़्यादा करके तो उतनी, तो फर्स्ट पेज की जितनी भी कॉपी आपने यहाँ सेलेक्ट की है उतनी कॉपी निकलेंगी, तो ये अनकोलेटेड। तो कोलेटेड में एक प्रकार से आप यूँ समझते हो सेट बने बनाए निकलते हैं, जैसे आपको 3 कॉपी चाहिए मतलब इसके 3 सेट चाहिए, तो 3 सेट, पहले एक सेट प्रिंट होगा, फिर दूसरा सेट जब वो एक कंप्लीट हो जाए फिर दूसरा सेट प्रिंट होगा और फिर तीसरा सेट। तो आई थिंक आपको ये भी अच्छे से क्लियर समझ आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। इस ओरिएंटेशन पे क्लिक करते हैं तो जो स्लाइड्स हैं अभी जो आपको वर्टिकली दिखाई दे, एक्चुअली बाय डिफॉल्ट लैंडस्केप ओरिएंटेशन होती है। मैंने ये जो प्रेजेंटेशन बना रखी है वो पोर्ट्रेट में बना रखी है। मोस्टली जो प्रेजेंटेशंस बनती हैं वो कैसे बनती हैं, लैंडस्केप मोड में ही बनाई जाती हैं, ठीक है, बट कभी कभी आपकी रिक्वायरमेंट हो जाए तो आप पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन के साथ भी इसको बना सकते हो, जैसे मैंने बना रखी है। बट अगर आपको लैंडस्केप बनानी है तो आप यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हो, प्रिंट, सॉरी, अगर इसका मुझे प्रिंट चाहिए इस तरीके से चाहिए, पेज की जो विड्थ ज़्यादा हो और हाइट कम हो, और इस पर जो मुझे स्लाइड को प्रिंट कराना है तो ये लैंडस्केप ओरिएंटेशन हो गई, ठीक है। और पोर्ट्रेट में कराना तो पेज में, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में पेज कैसे रखा जाता है, पेज ऐसे हो रखा होगा कि उसकी विड्थ कम होगी और हाइट ज़्यादा होगी, यानी पेज को इस तरीके से रोटेट करा दिया जाता है, ठीक है। तो पेज को कैसे रोटेट करा, दो ही तरीके बनते हैं, आप इस पेज को दो ही तरीके से रख सकते हो, कैसे, या तो हाइट ज़्यादा हो और विड्थ कम, इसको क्या बोलेंगे, पोर्ट्रेट, और या फिर विड्थ ज्यादा हो हाइट कम, उसको कौन से ओरिएंटेशन बोलेंगे,
लैंडस्केप ओरिएंटेशन, ठीक है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ से इसकी ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हो कि आपको प्रिंट कैसे चाहिए, पेज को कौन सी ओरिएंटेशन के साथ आपको प्रिंट लेना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कलर का। कलर में आपके पास तीन ऑप्शन आते हैं, एक कलर, एक ग्रे स्केल और एक प्योर ब्लैक एंड व्हाइट। ओके, सो अब इसमें क्या होता है, तो कलर अगर आप सिलेक्ट करोगे तो आपके जो प्रिंट होंगे वो कलर निकलेंगे, ग्रे स्केल सिलेक्ट करोगे तो ग्रे स्केल निकलेंगे, और सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट दो ही कलर में आपको चाहिए तो ब्लैक एंड व्हाइट निकलेंगे। ओके, अब ग्रे स्केल में और ब्लैक एंड व्हाइट में थोड़ा सा क्या डिफरेंस होता है, अब देखो यहाँ पर जैसे प्योर ब्लैक एंड व्हाइट अगर आप सिलेक्ट करते हो तो जो प्रिंट आएगा ना वो कैसा, जैसे यहाँ पर दिख रहा है या तो ब्लैक इंक आएगी और या फिर नहीं आएगी। ओके, लेकिन जब ग्रे स्केल करते हैं तो हमें ज़्यादा शेड्स नज़र आते हैं, जैसे ब्लैक कलर की कई शेड्स बन जाते हैं, एक थोड़ा लाइट ब्लैक, एक डार्क ब्लैक, एक थोड़ा मीडियम ब्लैक। ओके, तो अगर पिक्चर्स वगैरह आपकी बनी हुई हैं तो ग्रे स्केल ज़्यादा बेटर है जो प्रिंट अगर आपको लेना है, ठीक है। और अगर आपके सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, तो ब्लैक एंड व्हाइट वाला ऑप्शन ज़्यादा बेटर रहता है। लेकिन अब जो कलर वाला सबसे बेटर है, ये कलर में तो आपको पता है पिक्चर सबसे अच्छी आती है, बट एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपका प्रिंटर ही ब्लैक एंड व्हाइट है तो आप कलर प्रिंट नहीं ले सकते। आपने सेलेक्ट यहाँ पे भले ही कलर कर रखा हो तो प्रिंट तो कैसा आएगा, प्रिंटर क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट है उसमें है ही ब्लैक इंक, कलर्ड इंक ही नहीं है, तो कहाँ से कलर प्रिंट आएगा। तो आप चाहे कुछ भी सिलेक्ट करो, फिर जो आपका प्रिंट आएगा कैसा आएगा, वो या तो ग्रे स्केल आएगा या ब्लैक एंड व्हाइट में आएगा, अगर आपका प्रिंटर ही ब्लैक एंड व्हाइट है तो, ठीक है। तो ये सब थे हमारे प्रिंट ऑप्शंस। तो आपने इसमें ये भी देख लिया ना, अब एक चीज आई थी कि जो स्लाइड्स होती हैं, हमने जो नोट्स बनाए थे, नोट्स बनाने के लिए प्रिंट कैसे लेते हैं उन नोट्स का, तो उसके लिए जब हम यहाँ पे इस ऑप्शन पे हमने क्लिक किया था तो यहाँ पे नोट्स पेज वाला ऑप्शन है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे। तो ध्यान रखना, प्रिंट लेआउट में नोट्स पेज ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो ही हमें नोट्स प्रिंट मिलते हैं। ओके, सो मीट यू इन सम अदर वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। हाँ, और एक चीज़ बताना भूल गया, अब इसके साथ ये जो आपका चैप्टर यूनिट थी, यूनिट 4 आज कंप्लीट हो गई है सेशन 11 के साथ। ओके, सो मीट यू इन सम अदर वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे एट होम, स्टे सेफ।